दीप्ति हाँ। ये तुम्हारा जैकेट है क्यूट है, आप हमेशा जैकेट लेके आओगे ना, बहुत प्यारा है। अब मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, और ये तुम्हारा डेली है, ये निकाल देना बस। अजी पापा ये देखो, पापा ये लेके आया ऐसा डेली, ठीक रहेगा लेकिन एक जैसा पता नहीं कैसा लगेगा। ये पूरा अंदर से इसके पकड़ लिए, ये तुम्हारा ठीक है। भाभी का वो ट्रेंड में आ गया एयरपोर्ट लुक। ये दोनों की टी शर्ट सेम है, क्यूट है, एक स्मॉल है एक मीडियम है, ठीक है, बहुत क्यूट है। ये चलिए खाना शुरू करते हैं। मैंने पोल भी तो खोले पूरी नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया कि आज मैं अच्छे से खाऊंगा। मैंने भी मटन जो है वो हम दोनों शेयर कर लेंगे, और बिरयानी मंगाई है और आज रसमलाई मंगाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम एक बार और बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। बात उस टाइम की है जब शोएब के पापा हॉस्पिटलाइज थे और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। शोएब उनके पास रुके भी थे और दीपिका भी उनके पास रुकी थी, लेकिन 3-4 दिन बाद रुकने के बाद ही उनको ऐसा लगा कि शोएब की तबीयत ख़राब हो सकती है यहाँ पे, और वो दोनों मियाँ बीवी होटल में रुकने के लिए चले गए। वहाँ पे वो कई बार तो दिखाते हैं कि वो कैसे सेवा करते हैं अपने पापा की, और दीपिका कैसे सेवा करती है अपने फादर इन लॉ की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो लोगों को कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो होटल में क्यों रुकने के लिए आए थे, क्या ऐसी मजबूरी थी। अगर वो 3-4 दिन और हॉस्पिटल में रुकते तो ऐसा क्या हो जाता। तो इन सब बातों से वो ट्रोल हो रहे हैं। आप ही डिसाइड करिए इसमें क्या सही है क्या गलत, क्या उन्होंने सही किया क्या गलत किया। और वैसे भी ये लोग हमेशा आपकी राय मांगते हैं, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप पब्लिकली कुछ भी आप बोल सकते हो किसी के लिए, लेकिन किसी को इतना बुरा भी नहीं बोलना चाहिए कि उनको डायरेक्ट हर्ट हो जाए। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कपल काफ़ी सुलझा हुआ है और रिस्पेक्ट करता है अपने बड़ों की, आजकल के टाइम में ऐसे लोग हैं, यही बहुत बड़ी बात है।